फोटो कीना फ्रेम प्रिंटिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एसपीटी एचवी के बारे में बताऊंगा। एचवी मीन्स हाई विस्कोसिटी, और अगर हाई डेफिनेशन या हाई थिकनेस या हाई डिपोजिशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये इमल्शन आपके लिए ही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे आप लोग कि आपका जो क्लाइंट है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती होगी कि हम लोग थिक कोटिंग चाहिए हमको, हमको जो हाथ पे टच होना चाहिए वैसा कोटिंग चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने स्पेशली ये बनाया है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ता है और धुलने के बाद वो स्क्रीन पर बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम आपको जो डेमो दिखाने वाले हैं वो एसपीटी एचवी का है। तो अब एसपीटी एचवी के बारे में आपको बता दूँ, ये पिंक कलर रेड कलर के शेड में आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन है, अभी यहाँ पे आपका स्क्रीन सिलेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन के लिए आपको कम से कम मैश काउंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी 43 मैश काउंट की स्क्रीन है। ठीक है, जिसे आप लोग अपने नंबर से भी बुला सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम 43T मैश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस एसपीटी में एचवी इमल्शन को, जिसको मैंने पहले से निकाला हुआ है, अभी यहाँ देख सकते हैं आप कि स्कूप कोटर के अंदर इसे निकाला है, जिसकी एक तरफ शार्प एज है और दूसरी तरफ राउंड एज। ठीक है, अब इसमें से हम जो राउंड एज है, क्योंकि राउंड एज ही ऐसी एज होती है या ऐसा जो उसका सरफेस होता है कि जो कोटिंग के लिए, थिक कोटिंग के लिए आइडियल माना जाता है। तो यहाँ पे हम ठीक से कोट करेंगे, किस तरह कोट करना है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने कोटर को रखा और ये एसपीटी एचवी को हमने कोट किया। अभी ये जो सिंगल कोट है दोस्तों, ये एक सिंगल कोट जो मैं अप कर रहा हूँ ना, ये पीछे से, ठीक है, ये हमने स्क्वीजी साइड से इसको कोट कर लिया। अब बाकी सारे जो इमल्जन होंगे, वो बाकी सारे इमल्जन जो ये सिंगल कोट में आपको 15 से 20 माइक्रोन का थिकनेस देंगे, लेकिन एसपीटी एचवी की बात ये है कि ये आपको सिंगल कोट के अंदर ऑलमोस्ट 25 से 30 माइक्रोन का कोटिंग देता है, मतलब डबल। ठीक है, तो आपको ये सबसे अच्छा बेनिफिट रहेगा कि इस इमल्जन में आपको डबल थिकनेस मिलेगी। अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल स्टेप में कोट करेंगे। ओके फ्रेंड, तो अब हमको इसको ड्राई कैसे करना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हमने कोट कर दिया है, तो मैं सबसे सजेस्ट करूँगा आपको कि इसको आप अपसाइड डाउन ड्राई करें, यानी कि आपको प्रिंटिंग पार्ट है उसे नीचे रखना है और स्क्वीजी पार्ट को ऊपर रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इमल्जन है वो नीचे की तरफ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, और जिसकी वजह से आपको जो प्रिंट साइड आए उसमें अच्छी थिकनेस आपको मिलेगी। देखिए, हमें ये ड्रायर पे इस तरह रख दिया। ठीक है, और ये ओके फ्रेंड, देखो ये ड्राई हो चुकी है, अभी किसी भी तरह की थिकनेस, किसी भी तरह की चिपकापन नहीं रह है इसके ऊपर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर एक और कोट चढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड, तो हम फिर से कोट करेंगे इसे। ठीक है, अभी फिर से हम इस बार हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड ही करेंगे, हमें बैक साइड नहीं करना है। ठीक है, तो ये मैं फिर से राउंड एज से फिर से मैं फ्रंट साइड कोट कर रहा हूँ। ठीक है, जो पहले से ड्राई सूख गई जो स्क्रीन उस पर, आप जितना स्लो कोट करोगे उतना इमल्जन अच्छा चढ़ेगा। तो ये इमल्जन फिर से इसके ऊपर एक लेयर हो गई है। ठीक है, तो अभी जो पहले से 30 माइक्रोन की लेयर चढ़ी उसके ऊपर हम लोगों ने और लेयर चढ़ा दी। ठीक है, अभी हम फिर से इसे ड्राई करने रखेंगे अपसाइड डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसके ऊपर मल्टीपल कोट कर दिए हैं, टोटल हमने इसको 3 टाइम कोट किया है। पहला आगे पीछे किया था, उसके बाद एक कोट किया, ड्राई किया और फिर से एक कोट किया है, मतलब पहले आगे पीछे ड्राई, फिर से कोट, ड्राई और फिर से कोट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास एक्सपोजर यूनिट है, आपने देखा होगा यूवी लाइट भी होती है और एलईडी लाइट भी होती है, यूवी लैंप होते हैं, बट हमारे पास अभी ट्यूबलाइट यूनिट है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास वो सब फैसिलिटी नहीं है तो भी आप उसको किस तरह एक्सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है 8 ट्यूबलाइट का, तो ये ट्यूबलाइट को अब हम एक्सपोज करेंगे। ये फोटो पॉजिटिव यहाँ रखा हुआ है, अब फाइन लाइन इसमें आप नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत थिक कोटिंग है, इस पर फाइन लाइन आपकी नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आप थोड़ा कोर्स रखें, जो लाइन्स हैं वो थोड़ी मोटी रहे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक्सपोज करते हैं। देखिए, ये स्क्रीन को हमने रख दिया,
अब इसके ऊपर वजन का आपको भी पता है, इसके ऊपर वजन का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर इसके ऊपर वजन नहीं रहेगा तो आपकी जो शार्पनेस है, जो साइड में डिज़ाइन की शार्पनेस है, वो आपको नहीं मिलेगी। तो अब क्या होता है कि जो बड़े एक्सपोजर यूनिट होते हैं, मशीन होते हैं, उनके अंदर वैक्यूम होता है जो इसको कवर कर लेता है। लेकिन अगर हमारे पास वो वैक्यूम नहीं है तो हम एक रेत से बना हुआ एक बैग जो हमने पहले से रेडी रखा हुआ है, जिसके अंदर सैंड भरी हुई है, रेत भरी हुई है, तो उसको हम इस तरह रख कर अच्छे से ठीक से फैला देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो एक्सपोजर का जो पार्ट है वो उसको अच्छे से कवर कर ले, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमने पहले से टाइमर सेट रखा है, ठीक है, अभी हम इसको एक्सपोजर स्टार्ट कर देंगे। और टोटल इसको, हाँ, हमने एक सिंगल लेयर होती है तो यूजुअली हम इस पर हम 4 मिनट देते हैं, लेकिन अभी यहाँ के इसके ऊपर बहुत सारी हमने लेयर चढ़ाई है, तो इसलिए अब हम इसको एक्सपोजर को डबल के ऊपर कर देंगे, जो कि 8 मिनट है, ठीक है। ये हमने एक्सपोजर स्टार्ट किया। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हमारी स्क्रीन एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है, अभी हम इसको डेवलप करने जाएंगे, ठीक है। तो हमारी स्क्रीन अब एक्सपोज होकर रेडी हो चुकी है। अभी हम चेक करेंगे कि ये जो मैं टच कर रहा हूँ ना, तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ, ये थिकनेस आ चुकी है, लेकिन कितनी थिकनेस आई है हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे थिकनेस। सो यहाँ पे हमारे पास मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम मेजर करेंगे कि थिकनेस कितनी आई है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले मैश का थिकनेस चेक करेंगे कि कितना थिकनेस है। आपके सामने डिजिट है, ठीक है, अभी यहाँ पे बता रहा है 48-45 के अराउंड। अभी हम हमारा स्टेंसिल का पार्ट चेक करेंगे कि हमारा स्टेंसिल में कितनी थिकनेस आई है। तो अभी आप देख सकते हो 151 बता रहा है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि 100 माइक्रोन हमारी कोटिंग। सो हमारी स्क्रीन अब रेडी है, आपने देख ली क्या थिकनेस आई है इसकी। तो दिस इज़ वॉट ये इस SPT HV की खासियत है। आपने देखा कि कुछ कोटिंग में हमको अच्छी सी थिकनेस मिल गई, ठीक है, 100 माइक्रोन जितनी थिकनेस मिल गई हमको सिर्फ 3 बार बैक टू बैक कोटिंग करने में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।